Ishavasyamidam sarvam. Yatkincha jagatyam jagata. Tena tyaktena bhunjithaha. Ma grada kasya siddhanam. Om Ishavasyamidam sarvam. Yatkincha jagatyam jagata. Tena tyaktena bhunjithaha. Ma grada kasya siddhanam. Ma grada kasya siddhanam. ईशा का अब तक इन दिनों में जो अर्थ निकल कर आया, जैसे कि कमल मतलब आपके सामने स्पष्ट हो जाए कि ये कमल है, पुस्तक मतलब ये पुस्तक है, ऐसे ही जैसे ही ईशा शब्द का उच्चारण किया जाए तो कमल वत आपके सामने वह जो अर्थ है वो क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि ईशा शब्द का क्या अर्थ है। तो ईशा शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध पारमार्थिक अहम, है ना। कल 20 पर विशेष चर्चा की, शुद्ध पारमार्थिक अहम। अच्छा, इसको और कह लीजिए, इसी शुद्ध पारमार्थिक अहम को ब्रह्म भी कहते हैं, इसी शुद्ध पारमार्थिक अहम को आत्मा भी कहते हैं। किंचित मात्र भी संशय नहीं रहना चाहिए। शुद्ध पारमार्थिक अहम, ये किसका अर्थ हुआ, बोले ईशा शब्द का। ईश शब्द का ईशावासी उपनिषद में जो अर्थ है वो है शुद्ध पारमार्थिक आत्मा या ब्रह्म, जहां किंचित भी कोई चीज मिश्रित नहीं है। ठीक है, ये अर्थ स्पष्ट हो गया कल। अच्छा, अब शब्द बना वास्यम। वास्यम का अर्थ है एक ऐसी समझ बन जाना, ऐसी समझ डेवलप हो जाना। बोले क्या समझ है, बोले वह यह समझ है कि यह जो प्रपंच है यह इदम नाम से संबोध्य है। इदम नाम से जो संबोध्य प्रपंच है, इदम नाम से मतलब जो बोले जो यह जगत है यह निःसत्व है और असत रूप है। स्पष्ट हो जाना चाहिए एकदम आवाज। यह जो प्रपंच है वह निःसत्व है और निःसत्व ही नहीं असत है। बोले क्या अर्थ हुआ, बोले यह तो निःसत्व मतलब जैसे कि टोल, जैसे कल भी कह रहा था ना, केले में कोई अंदर कुछ है नहीं, वो कैसा है, निःसत्व है, उसके अंदर किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। बोले यह जगत तो ऐसे ही पोल है, कुछ है नहीं यहां,
उसके लिए शब्द क्या दे दिया गया, बोल दिया गया निःशब्द। इसलिए सावधानी रखिएगा, सत्व गुण नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, निःसत्व शब्द कह रहा हूं। तो जो जगत है वो कैसा है, निःसत्व है। बोले और नहीं समझ में आता निःसत्व, तो बोले यह जो जगत है ये असत रूप है। असत रूप मतलब, असत रूप मतलब है ही नहीं, खत्म बात। मैं यहां मिथ्या शब्द भी नहीं कहना चाह रहा हूं, मिथ्या शब्द भी उच्चार्य नहीं है, सही जो अर्थ है वो सामने रख रहा हूं। समझ में नहीं आता, साधना की आवश्यकता है, उसको थोड़ा ढीला करना है, वो करेंगे। लेकिन जो अर्थ है वो ये जान लीजिए कि जगत नाम की चीज कोई है ही नहीं, असत है। जैसे कि खरगोश के सिंह, बंध्या का पुत्र, बोले यह जो इदम इदम करके महसूस हो रहा है ना, इदम इदम करके, और वो कौन है, बोले यह जो इदम इदम करके महसूस होता है उसी का नाम है जगत। यहां पे है ना, यत किंच ईशावास्यम इदगम, बोले इदम गम इदगम मतलब क्या, बोले यत किंच जो भी कुछ है, बोले क्या चीज है, बोले जगत में जो भी कुछ है, अरे जगत में नहीं जगत ही इदम वाच्य है। अर्थ तो स्पष्ट हो गया वास्यम शब्द का। तो यह जो इदम प्रपंच जगत है यह कैसा है, बोले निःसत्व है, असत रूप है। अच्छा जी, इस इदम जगत का बोले प्रारंभ कहां से हुआ था, यह जो निस्तत्व है ये कल्पना कहां से चालू हो गई थी, ये कल्पना कहां से चालू हुई, और महाराज जी ये कल्पना कहां तक गई, इसका स्पैन क्या है। बोले ये चालू हुई माया से और इंद्रियों तक घुस गई आके। फिर बोला हूं लिंगांदि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, ये जगत है, जगत की ये देखो ये परिभाषा देखो, लिंग आदि, लिंग आदि मतलब सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या हुआ, ये आपकी भावना, ये आपकी बुद्धि, ये आपका मन, ये आपका चित्त, यहां से लेकर लिंग आदि ब्रह्मांडांतम, ये जितने ब्रह्मांड हैं, बोले ये सब क्या हैं, बोले ये सब माइक हैं। माइक हैं मतलब ये बोले असत हैं, ये वास्तव में है नहीं। स्पष्ट हो गया वास्तव। बोले एक बात याद कर लो साधक, तत्व दो नहीं है। बोले मैं इसके लिए कहता हूं श्रुति का सहारा लो और युक्ति का सहारा लो, दोनों चीजों का सहारा लो, श्रुति का भी सहारा लो और युक्ति का भी सहारा लो, और यह सिद्ध कर लो कि इतनी विभिन्नता होते हुए भी जो तत्व है वह दो नहीं है। देखो दो से निषेध किसका कर दिया, पुरुष प्रकृति गई। तत्व दो नहीं है, वो कैसा है, एक है। अब देखो इस एक में रामानुजाचार्य भी, बल्भाचार्य जी, निंबार्काचार्य, सभी द्वैत के दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं, इसमें सबकी सहमति है। लेकिन सहमति किसकी नहीं है, सांख्य की नहीं है। लेकिन भक्ति के जितने दर्शन है वो सभी मानते हैं इस सृष्टि के मूल में जो तत्व हैं वह दो नहीं है, वो कैसे हैं, बोले एक।
बोले महाराज इसको दो चीज से सिद्ध कर लो, दिमाग में बैठा लो। बोले एक है श्रुति, एक है युक्ति, दोनों से सिद्ध कर लो। बोले श्रुति क्या कहती है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम्। आपने सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था, हमारे लिए जो प्रमाण है वो कौन है, श्रुति है। श्रुति प्रमाण से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। श्रुति क्या कह रही, सत एव हे सौम्य, सत एव आसीत। इस सृष्टि के पहले सौम्य एक ऋषि का नाम है, एक शिष्य का नाम है, हे सौम्य इस सृष्टि के पहले, इस सृष्टि के बाद में भी, इस सृष्टि के समय में भी एक ही तत्व है। वो कैसा है, एकम एवं अद्वितीयम। ये किससे सिद्ध कर दिया गया, ये किससे सिद्ध हो गया, श्रुति से। बन गया ना, नहीं समझ में आए तुरंत पूछिएगा, इसको कंक्लूड करना है। मूल में दो तत्व नहीं है, तत्व एक है। कैसे समझें, श्रुति से समझें, युक्ति से समझिए। श्रुति क्या कहती है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकम एवं अद्वितीयम। क्या है, एकम एवं, एवं मतलब एक ही था। कितनी बार श्रुति कह रही, सोचो आप। ये श्रुति आपको आधार में ध्यान में रखनी है, एक ही तत्व था। इसके लिए ये श्रुति सदैव आपके चित्त में याद रखनी चाहिए, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। ये किससे सिद्ध हो गया, श्रुति से। अच्छा, युक्ति से। युक्ति क्या कहती है, जैसे ही दो तत्व को मान लिया, मैं युक्ति की बात कह रहा हूं, जैसे ही आपने दो को माना, तो दो को मानते ही दो का मतलब ये है कि पहले वाली दूसरी में नहीं है और दूसरी वाली पहली में नहीं है। क्या कहेंगे इसको, वस्तु परिच्छेद। जैसे ही किसी ने दो तत्व को माना, दो तत्व किसने माना, बोले बहुतों ने माना, सांख्य दर्शन में ही माना। इसका मतलब पुरुष प्रकृति में नहीं है और प्रकृति पुरुष में नहीं है। जैसे ही आपने ये कह दिया कि दो भगवान है, क्या बोल दिया, दो भगवान है, तो दो भगवान मतलब क्या हो गया, बनता है। देखो आप बोले राम अलग हैं और कृष्ण, शिव अलग हैं, राम अलग हैं। इसका मतलब शिव की अपनी एक सीमा हो गई और राम की, जहां राम है वहां शिव नहीं, जहां शिव है वहां। ये गलती, एक गलती आपके वैदिक दर्शन, हिंदू दर्शन ने कभी नहीं की। उसने क्या बोला, एक। अगर आपने दो माने, किसमें, सृष्टि के मूल में, याद रखिएगा, मैं कह, श्रुति क्या कह रही है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकम एवं अद्वितीयम, ये हो गई श्रुति। युक्ति क्या कहती है, जैसे ही आपने दो को स्वीकार किया वैसे ही वस्तु परिच्छेद आ गया। वस्तु परिच्छेद आ गया। अच्छा, बोले वस्तु परिच्छेद आ गया तो क्या हो गया, तो बोले जब वस्तु परिच्छेद आ गया तो काल परिच्छेद भी है, तो देश परिच्छेद भी है। उसने बोला हो गया तो, आ गया तो, काल परिच्छेद मान ले तो आपको क्या दिक्कत भाई।
बोले काल परिच्छेद है तो फिर वो मरने वाली चीज होगी। लो देख लो कहां से कहां तक गया। दो माना वस्तु परिच्छेद आया, वस्तु परिच्छेद आ गया, काल परिच्छेद आ गया, काल परिच्छेद आ गया, इसका मतलब वह चीजें मरने वाली होंगी। जो मरने वाली चीज होती है वो कभी भी व्यापक नहीं होती। मरने वाली चीज का आकार होता है, अरे चीज ही वही मरती है जिसका आकार होता है, जिसका आकार नहीं होता है वो नहीं मरती। देखो ये श्लोक आप देखिएगा, अविनाशी तु तत्विद्धि। देखो किसको कहते हैं अविनाशी, अविनाशी का लक्षण। ये अध्याय दो का 17वां श्लोक, अध्याय दो का 17वां श्लोक। मिल गया 17वां श्लोक, गीता है ये नहीं आप लोगों का, वो ले लीजिए यहां से पुस्तक दे दो पीछे पास कर दी। अध्याय दो 17वां श्लोक, अविनाशी तू तत्विद्धि। हे साधक, हे अर्जुन, अविनाशी किसको जानो। ये ईशावास्यम का अर्थ है, पूरा श्लोक यहां घटित होता है। येन सर्वम, मिल रहा है, अविनाशी तू तत्विद्धि, अविनाशी उसको जानो। किसको जानो, जिसने इस जगत को व्याप्त किया है। ईशावास्यम, जिसने इस जगत को व्याप्त किया है वो अविनाशी है। जगत अविनाशी नहीं है, जगत को जिसने व्याप्त किया है, इसका मतलब जो व्यापकत्व है वो वही घटित होगा जो अविनाशी होगे। दोनों का अर्थ लगाइए, जो अविनाशी है वह व्यापक है। ये बातें समझ में आती है, जो अविनाशी समझ गए ना, जिसका विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी होगा तो व्यापक जरूर होगा, ये हो नहीं सकता कि अविनाशी होवे और व्यापक न होवे। अविनाशी तु तत्विद्धि, तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, ततम मतलब व्याप्तम, व्याप्तम मतलब वास्यम। अविनाशी उसी तत्व को कहते हैं जिसने इस पूरे जगत को क्या कर रखा है, व्याप्त करके रखा है। जगत तो व्याप्त है, व्यापक वो है। बन गया। एक किसके लिए बोल रहा हूं, यदि दो आ गए तो वस्तु परिच्छेद हो गया, वस्तु परिच्छेद हो गया तो फिर तो काल परिच्छेद, और काल परिच्छेद हो गया तो वो फिर कैसा हो गया, बोले विनाशी। और जब विनाशी हो गया तो व्यापक, और जब व्यापक नहीं है तो फिर उसने व्याप्त भी, अविनाशी तो तत्विद्धि। मतलब ये कड़ियां जुड़ती हैं आपस में, ये जोड़ना आना चाहिए। दो हुआ वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद काल परिच्छेद, काल परिच्छेद विनाशी, विनाशी हो गया तो व्यापक, व्यापक नहीं हुआ तो वास्यम तो हो ही नहीं सकता। किससे सिद्ध कर रहा हूं, श्रुति से, युक्ति से। इसलिए फिर से आ जाइए, ईशा का अर्थ क्या हो गया, पारमार्थिक अहम, उसी को ब्रह्म कहा, उसी को आत्मा कहा। वास्यम का अर्थ क्या हो गया, वास्यम का अर्थ वह
जिस तत्व ने इस पूरे जगत को क्या करा है, व्याप्त किया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बोले माया से। इसका अंत कहाँ हुआ, बोले इंद्रियों तक। लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजित। अच्छा, अब देखो कंक्लूड कर रहे हैं। उस तत्व से किसी भी, बहुत सावधानी से ये फेस निकाल लिया तो आपने निकाल लिया, सब फिर सब सरल है। उस तत्व से किंचित मात्र की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, उस तत्व से किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं पैदा हो सकता, कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अरे भला क्यों नहीं हो सकती, बोले क्यों नहीं हो सकती, बोले बोले महाराज किसी चीज में क्रिया के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, स्वयं में कोई क्रिया, ये याद आ गया आपको सूत्र, कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई दूसरी चीज ना आए। कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कोई दूसरी चीज, मतलब उत्सर्जन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, क्रिया के लिए, पैदा करने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता। यहां तो कोई दूसरी चीज, इसलिए इस तत्व से किंचित मात्र भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। देखो, और सावधानी से, यदि दिखती है, यदि दिखती है, यही है आपका कमजोर पक्ष, यही, यदि दिखती है तो फिर वो दिखने के बावजूद भी वो सच, जैसे कि रस्सी से कभी सांप पैदा नहीं हो सकता, त्रिकाल में नहीं हो सकता, लेकिन यदि सर्प दिखता है तो, यदि दिखता है तो आपको समझना चाहिए रस्सी कभी भी सांप बन नहीं सकती, या रस्सी कभी भी सांप बन नहीं सकती। ये तो हाँ, सर्प दिख रहा है तो ये दिखने के बावजूद ये सर्प सच नहीं है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि उस तत्व से किसी चीज की पैदाइश तो संभव ही नहीं। तो ये जगत कहां से आएगा, और अगर जगत दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिखता, याद रखना। ये मत कहना सबको दिखता है। बहुत सारे जो हुए हमारे वेदांत के, उनको जगत नहीं दिखता। जगत दिखता नहीं मतलब जगत सच नहीं लगता, हमको तो सच लगता है। क्यों सच लगता है, बोले दिखता है तो, बोले जो दिखता है वो सच होता है। ऐसा ऐसा ही सूत्र है क्या, बोले ऐसा तो नहीं है। जो दिखता है वो सच होवे ऐसा जरूरी, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हमको आप दिख रहे हैं कि बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं, बट सच क्या है, क्या तो सच्चाई क्या है, सच्चाई कुछ और है। अरे उठाने में वह रोने वाला व्यक्ति, वो दुख कर व्यक्त करता हुआ व्यक्ति अंदर से बहुत प्रसन्न है, संभव है, क्या कहेंगे उसको। महाराज ये यही जगत की निशानी है, ये जितना दिख रहा है। अच्छा उल्टा भी दिखा देता हूं, ये जो लोग बहुत हंसते हुए आपको दिख रहे हैं महाराज सबकी दुखती नब्ज है, आप पूछ के तो देखो, सबकी दुखती नब्ज है, लेकिन आपको दिख कैसे रहे हैं,
आपको हंसते हुए दिख रहे हैं। अरे बोले इनका जीवन तो कितना अच्छा है, क्या नहीं है इनके जीवन में, पैसा है, घोड़ा है, गाड़ी है, कार है, लेकिन किसी दिन अगर आपकी उनसे पटरी बैठती हो तो, क्योंकि वो आपको पास नहीं आने देंगे, पूछना तो वो भी बताएंगे जो दिख रहा है वो सच नहीं है। देखो यही जगत, जो रोते हुए दिख रहा है वो रो नहीं रहा है, जो हंसते हुए दिख रहा है वो हंस नहीं रहा है। इसलिए एक बात तो वेदांत पढ़ने पर सिद्धांत बना लीजिए, किसी चीज के देखने को कभी भी सच मत मानिए, कभी सच मत मानिए, उसके मूल में जाइए तो समझ में आएगा। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जो जज होता है, जो जस्टिस होता है, वो किसी के रोने गाने पर नहीं जाता क्योंकि हर अपराधी रोएगा ही रोएगा, रोने से थोड़े ना फैसला होता है। बन गया अच्छा। तो बोले महाराज यदि ये नहीं हो सकता तत्व से, यही पकड़ना है आपको, तत्व से नहीं हो सकता तो फिर है क्यों, ये दिख क्यों रहा है। और ये बोले अगर दिखता है तो इसका कारण है माया, ये त्रिगुणों के कारण ही यह जो जगत है यह असत होने के बाद में भी सत रूप में क्या है हमको दिख रहा है। ये किससे संभव है, बोले सिर्फ माया से संभव है। हालांकि माया स्वयं क्या है, बोले निस्तत्व है, असत है। कौन? माया निस्तत्व है, असत है, झूठी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी कल्पना करके दिखा देती है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ क्या लग रहा है, सच लग रहा है। अच्छा जी, एक चौपाई स्वामी जी ने कभी कोट की थी, बड़ी ढूंढे मिली, वो क्या है चौपाई, ये कहाँ है मुझे भी नहीं पता, आप ढूंढना, हमें ढूंढ नहीं पाया। नहीं, जासु सत्यता ते, क्योंकि चौपाई में सब कुछ आ गया इसमें, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। देखो क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी, पूरा वेदांत सिर्फ 8-5 शब्दों में रख देते, खत्म। क्या बोलते हैं, जासु सत्यता ते जिसके कारण, जासु सत्यता ते जिसके जिसके कारण, ठीक है, क्या है ये जो जड़ माया, देखो क्या बोल दिया, माया कैसी है ये तो बता ही दिया, माया चेतन नहीं, जड़ माया भास सत्य इव, सत्य इव, सत्य नहीं मानो कि ये व्यक्ति लंगड़ा लग रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, वो लंगड़ा है, चप्पल टूटी है, उसके कोई कारण हो सकते हैं। अगर आप बोले कि मानो कि ये लंगड़ा लग रहा है, आप बोले मानो कि ये व्यक्ति धनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धनी है, आपको दिख रहा है और आपको शक भी, इसलिए आपने क्या लग रहा है मानो कि ये व्यक्ति, मानो कि लगता है आज बादल बरस जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, एक शब्द लगा देते हैं, क्या संस्कृत में लगा, इव, खत्म, एक ही शब्द लगा दिया इव। फिर से बोल रहा हूं, जड़ सत्य जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, बोले इसके कारण ही मोह सहाया, मोह सहाया, इसने महाराज सबको मोहित करके क्या कर दिया है, रखा है। कौन? जो है नहीं, जो है नहीं
उसने सबको क्या कर रखा है और खुद कैसी है, जड़, खुद है नहीं, दुनिया को आकर्षित करके रखा है, जबकि खुद कैसी है, निस्तत्व हो गया। और बोले ये जो माया है, बोले महाराज ये मालकिन बनी फिरती है, मालकिन बनी फिरती है, है कौन, है कौन, सोदासी रघुवीर की, सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी। देखो जी कितने अच्छे तुलसीदास जी का आप ज्ञान देखो, सोदासी वही है, मैंने कल बोला ना महाराज डीएम के चपरासी में बड़ी अकड़न दिखाई देती है, लेकिन वो अकड़न है किसकी, डीएम की, अकड़न कहां दिखाई देती है, चपरासी में, चपरासी खुद क्या है, चपरासी, सो दासी रघुवीर की, एक तो ये दासी है, दूसरी किसकी, रघुवीर की, लेकिन इसके बावजूद मिथ्या समझे मिथ्या सोपी, इसको क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, बोले ये कुछ है नहीं। देखो जी ये मैंने भक्ति के भाव से आपको दिखा दिया, रामचरितमानस में हाँ होता है ना, सोदासी रघुवीर की मिथ्या समझे। देखो तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, ये जो पूरा का पूरा प्रपंच है ये है नहीं, ये उसके कारण क्या दिख रहा है, सच दिख रहा है, इसमें जो सत्ता अब दिख रही है ना, है जो दिख रहा है ना, ये किसके कारण आई, बोले ये उसके कारण आई, इसकी खुद की सत्ता नहीं है, तो इसने सत्ता को क्या कर लिया, उधार ले लिया, और अब हमको क्या दिखा रही है, अरे किसी के पास कोई सामान होए ना, लेकिन किसी से मांग लाओ और कमरे में सजा दो और लोगों से क्या कहो, ये सब तो मेरा है, तो दूसरा व्यक्ति आकर्षित तो हो गया, लेकिन आपको ही पता है कि सब मामला कैसा है, डोलम पोल है, यही माया ने किया, सबको आकर्षित कर दिया, और खुद का सामान खुद ही सच नहीं है, सामान किसका है, ब्रह्म का, और सामान क्या, उसी से इसने क्या ले ली है, सत्ता। बोले ये अर्थ है, किसका अर्थ हुआ ये सब, ये किसका अर्थ हुआ, ईशावास्यम, उस ब्रह्म को चारों ओर देखो, क्या देखो, क्या देखो, ये सब सच नहीं है, ये सब सच, इसीलिए कल मैंने कहा था जिसने ईशावास्यम की साधना कर ली उसकी अनुभूति क्या है, वो क्या कहेगा, अहम एव इदम सर्वम, ये सब कौन है, मैं ही हूं, ये वही कहेगा जिसने ईशा का वास्यम कर लिया है। ठीक है भाई, इतना स्पष्ट आता है, आगे बढ़ूं, अच्छा तो अनुभव ये हुआ, अहम एव इदम सर्वम, मैं ही सब दूर हूं, क्योंकि मेरे अलावा यहां कुछ भी है ही नहीं, ऐसा समझ में आपको आ जाए तो आप समझ लो ईशावास्यम आपने क्या कर लिया, घटित कर लिया। बोले महाराज ये बात थोड़ी समझ में आती नहीं है इतनी जल्दी, बोले चलो और एक बात बताता हूं, ईशा के दो अर्थ हैं, देखो तो नहीं समझ पाए ना साधक, तो बोलते चलो तुमको थोड़ा सा नीचे लाता हूं, ईशा के दो अर्थ हैं, एक को बोलते हैं निरुपाधिक और एक को बोलते हैं सोपाधिक, अच्छा और बोल दें, एक को बोलते हैं लक्ष्यार्थ, एक को बोलते हैं वाच्यार्थ,
क्लियर हुआ? निरुपाधिक सोपाधिक, इसी को बोलते हैं वाच्यार्थ। और बहुत सावधानी से सुनिएगा, अभी आधे घंटे, वह अहम ही सब दूर है, यह इसका लक्ष्यार्थ हुआ। वह अहम ही सब दूर, अहम एव इदम सर्वम, यह इसका क्या हुआ? लक्ष्यार्थ, यही इसका मुख्य अर्थ है। लेकिन जब व्यक्ति इसको समझने में सक्षम नहीं होता तो कहा जाता है तुम इसका क्या प्रयोग करो? वाच्यार्थ। अभी नहीं सफल हो रहे हो ना, तो तुम इसका कौन सा अर्थ ले लो? वाच्यार्थ। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लक्षार्थ नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो? वाच। और देखिए, ये हमारे जितने आचार्य हैं इन सभी का मत वेदांत को स्वीकार है। किसका? बल्भाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इन सब का जो मत है वो किसमें आता है? वाच्यार्थ में। और इस मत को वेदांत ने क्या किया है? स्वीकार किया है। किस मत में? ध्यान रखना, लक्षार्थ में नहीं, वाच्यार्थ में। लंबा रामानुजाचार्य जी, बल्भाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सभी दर्शनों को क्या किया है? प्रणाम करता है। कौन? वेदांत, और स्वीकार करता है। लेकिन ये किसके लिए? जिसने लक्ष्यार्थ को अभी नहीं समझा तो उसके लिए बोलते हैं तुम वाच्यार्थ समझो। अच्छा, तो बोले एक बात बताइए, वाच्यार्थ की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले आवश्यकता इसलिए पड़ी, देखो ईमानदारी से, साधक कहता है कि मुझे ये अनुभव में नहीं आता, इतना स्पष्ट है, ईमानदार बनना चाहिए। साधक कहता है कि मुझे अहम एव इदम सर्वम, ये मुझे नहीं आता। बोले तुमको अच्छा क्या आता है? बोले आप ये कह रहे हो कि मैं सब कुछ हूं, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो बोले तुम्हारा क्या अनुभव है? मैं दीन हूं। बोले मैं दुखियारा हूं। तो वेदांत ने इसको भी प्रणाम किया है और इसको स्वीकार किया है। यदि किसी साधक का अनुभव यह है कि वह दीन है, दुखियारा है, अल्प है, बट एक बात ध्यान रखना, वेदांत ये भी साथ में कहता है मैंने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? कि तुम अभी अपने आप को क्या समझते हो? दीन। इसको बोलते दीनत्व भावना, दुखी समझते हो, दुखियारे समझते हो, अल्प समझते हो। बट एक बात याद रखो, इसका कारण क्या है? क्या कारण? तुम अपने आप को दीन समझते हो, दुखियारे समझते हो, अल्प समझते हो। मैं स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारी अनुभूति को प्रणाम करता हूं कि तुम सही हो और तुम सही बात कह रहे हो और तुम सच कहते हो, मैं इसको मानता हूं। लेकिन कम से कम ये क्यों है अनुभूति तुम्हारी? मैं दीनत्व हूं, ये मेरी अनुभूति, इसका कारण क्या है? बोले हमने अपने आप को देह से बांध के रखा है। ये जड़ याद रखना। वेदांत न समझ पाने का कारण, वेदांत की अनुभूति को न जी पाने का कारण एक है, हमने अपने आप को इस देह से क्या कर रखा है? बांध के रखा है, जबरदस्त बांधा है। नहीं है तो देख लो आप,
अभी आपको जरा से कोई कुछ बोल दे, जरा सा, इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ा? किस पे पड़ा? अहम। आप कनेक्शन देखो जरा, अभी आपको कोई मूर्ख कहीं के पागल, अच्छा कौन दुखी हो गया? कौन दुखी हो गया? मैं तो दुखी हो गया। देखो आप कितना असर है, कितना जबरदस्त बॉन्डेज है अहम का। ले यही अज्ञान की जड़ है, इसीलिए तुम दीन हो। तो बोले महाराज क्या करूं? साधना करो, इस देह से पिंड छुटवाओ अपना। इसीलिए मैं आपको बताऊं, इसकी गुरु जब रहते थे आश्रम में, इसलिए शिष्य को कहा जाता था अंतेवासी। अंतेवासी मतलब होता था उस गुरु के अनुशासन में शिष्य क्या करता था, रहता था। महाराज गुरु उसको खूब चोट देते थे। क्यों चोट देते थे? जिससे कि इसका ये जो लगाव है ये देह से क्या हो जाए, ये कम हो जाए। ये इसीलिए चोट दी जाती थी। धीरे धीरे एक तरफ श्रवण, दूसरी तरफ चोट, एक तरफ श्रवण, और ऐसे करते करते सालों में वो व्यक्ति का जो देह से था ध्यान, वो क्या हो गया? समाप्त। खैर चलो, तो महाराज इसमें तो दीनत्व की भावना है। देखो जी, तो अब कहता है भैया मेरे से सृष्टि नहीं निकली। क्या है? मुझसे सृष्टि नहीं निकली है, मुझसे सृष्टि नहीं बनी है। आप जो कह रहे हो ना, सृष्टि किससे निकली? अहम से। अहम एव इदम सर्वम, काहे का इदम सर्वम। तो अब इस साधक को क्या कहोगे? तो इस साधक को कहा गया ऐसा करो, अब तुम किसी एक को परोक्ष मान लो। पहले क्या मान रहे थे? अपरोक्ष। वो कौन है? मैं। आप क्या बोलते हैं? मैं नहीं, कोई है। चलो, बोले वो कोई कैसा है? बोले वह जो है उसी से सृष्टि निकली है और उसी में जाके सृष्टि लीन है। बोले ये बात पछती है। ध्यान रखना, क्या कर लिया इस साधक ने? अपरोक्ष का त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? अपरोक्ष। क्या मान लिया? ये कोई परोक्ष है, कोई एक तत्व है, एक ही तत्व, लेकिन वो कैसा है? परोक्ष। और साधक वो मैं नहीं हूं, बोले वो मैं नहीं हूं, एक तत्व कोई है जो महाराज जिसमें से सृष्टि निकलती है, जिसमें से सृष्टि लीन होती है, और वही तत्व महाशक्तिमान है। और वह जो है वह सत है, असत नहीं है। वो कैसा है? वह तत्व कौन है? बोले वो सत है। देखो अब क्या हो गया, कोई है तो परोक्ष मान लिया, वो शक्तिमान है ये मान लिया, वो सत है ये भी मान लिया। आपकी कही गई सब बातों को उसने मान लिया, और उसके गुरु ने कहा उस सत तत्व को कोई नाम दे दो तुम्हारी सहायता के लिए। बोले उसका नाम राम है। किसका नाम? राम। जिसमें सृष्टि निकलती है,
जिसमें से सृष्टि पैदा होती है, जो सब पे शासन कर रहा है, जो शक्तिवान है, उसको राम कहते हैं। राम नहीं समझ में आता तो उसको कृष्ण कहते हैं। देखो भागवत में क्या श्लोक है, वो तस्माद, पूरा श्लोक बोलो, हरि तस्माद, यही है भागवत का सार। देखो उसके नाम क्या दिए, तस्माद भगवान। बोले कौन है भगवान, बोले सर्वात्मा ईश्वरो हरि, ये यही है जिसको आप अहम एव इदम सर्वम कह रहे थे, ये वही है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, उसी का नाम क्या है, सर्व की आत्मा, जिसको आप अहम बोल रहे थे। बोले नहीं समझ में आता, बोले उसको भगवान कहते हैं। नहीं समझ में आता, उसको ईश्वर कहते हैं। नहीं समझ में आता, उसको हरि कहते हैं। ये श्लोक तो हम भागवत में स्वामी जी का, जिन्होंने सुनी है भागवत, यहाँ पे स्वामी जी ने इस श्लोक को कान पकड़ के याद कराया है, समझिए। ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। आगे पूरा करो, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इक्षिता भयम्। ये भागवत है। तो उसका नाम क्या है, सर्वात्मा। उसका नाम क्या है, तो हमने एक सत्ता बना ली और उस सत्ता को अब क्या कहा, वह एक परोक्ष है। अब सब घटित हो गया, अब ये सब घटित हो गया। एक सत्ता है, उसका नाम कुछ भी रख लो, उसी से सृष्टि निकली, उसी में सृष्टि गई, उसी ने सृष्टि पर शासन किया है और वही सृष्टि पे शासन। रावण को क्या बोला, जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झार, जिसके लवलेश से तुमने तीनों को जीता है। किसको जीता है, तीनों लोगों को। किससे जीता है, उसके बल से। कितने बल से, लवल। बोले उसका मैं दूत हूं, रावण शर्म करो, और उसी की पत्नी को लेके आए हो तुम, जिसके लवलेश से तुमने क्या किया है, पूरी की पूरी सृष्टि। कौन है, परोक्ष आ गया कि नहीं आया, जाके जाके बल लवले, ये क्या आ गया, परोक्ष आ गया कि नहीं। देखो अब ये मत जब कहते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा क्या लगने लगा, बोले और वही। अब आगे देखो सोपादेक पे, हमको जो कुछ भी फल मिल रहा है, अब ध्यान रखना, गरीब बनाया तो ठीक, अमीर बनाया तो ठीक, पुरुष बनाया तो ठीक, स्त्री बनाया तो ठीक, रोगी बनाया तो ठीक, निरोगी बनाया तो ठीक। बोले किसने, बोले उसने। बोले वो कौन है, बोले वो मेरे कर्म का फल का दाता है। तो आपने उसको क्या कह दिया, किसको कह दिया, उसी परोक्ष सत्ता को। देखो डाइल्यूट हुआ, मैं उसको क्या बोलता हूं, कर्म फल दाता। सृष्टि के संदर्भ में उसी को क्या बोलते हैं, वही करता है। सिखों ने इसको कैसे बोला, कर्ता पुरुख, कर्ता पुरुख। आपका उपदेश सार भी यही तो बोलता है। सबसे पहला जो चालू किया, उसने क्या चालू किया, कोई है
जो आपको कर्म का फल दे रहा है। अच्छा जी, बोले महाराज वो है और वही दुनिया को क्या कर रहा है, साईं ते सब कुछ होत है बंदे ते कछु नाहि। देखो जी अब बन रहा है, अब आपके दिमाग में साईं ते सब कुछ होत है, उसी से सब कुछ होता है, बंदे से मेरे से कुछ नहीं होता। बोले उसका नाम ईश्वर है। देखो आप जरा संदर्भ दिखा दे रहा हूं, सृष्टि के संदर्भ से वो करता है, ठीक है, सृष्टि के संदर्भ से करता है, आपको फल मिल रहा है इस संदर्भ से वो कर्म का फल का दाता है, हो गया। अच्छा यही नहीं, जिज्ञासु के संदर्भ में वही गुरु है, कौन, वही परोक्ष। देखो योग दर्शन को स्वीकार कर लिया, सब पूर्वे शाम आया था ना सूत्र कि उसको गुरु माना है, किसने, योग दर्शन ने स्वीकार कर लिया। वही तत्व कौन है, गुरु बन के आया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वम अहम ना त्वमेव, ये है परोक्ष। वह जिज्ञासु के संदर्भ में वह गुरु बन के आया, भक्ति के संदर्भ में वो दयालु बन के आया, होता है। अब आया कौन है ये, जिस आत्मा की आप बात कर रहे थे, बट हमने उसको सिर्फ इतना कर दिया कि वह मैं नहीं हूं, वह कोई है। देखो इसीलिए आपको एक तीन चार लाइनें दिखाएं, याद आती है, तुलसीदास जी ने इतना स्पष्ट इसको बोला है, एक अनीह अरूप यह, ये अहम एव इदम सर्वम है। इसकी पूरी व्याख्या देखो, ये बालकांड में आता है, है ना, कहाँ है, चौपाइयां देखिएगा, पूरा ईशावास्यम जो अभी आपने पढ़ा, ये तुलसीदास जी ने सिर्फ तीन पंक्तियों में, चार पंक्तियों में रख दिया पूरा ईशावास्यम। देखो और कहां से निरुपाधिक से सोपाधिक तक, देखो क्या कहते हैं, ये निरुपाधिक देखो कैसा है, इसका मतलब तुलसीदास जी को वेदांत की एक एक राय पता है। क्या बोलते हैं, एक अनीह, अनीह मतलब वहां उसमें कोई इच्छा नहीं है, और वो है कैसा, एक, देखो ये इसमें भेद नहीं है। अरूप, उसका कोई रूप, अनामा, उसका कोई नाम नहीं है। जय सच्चिदानंद आ गया आपका वेदांत, परम धामा वो हम लोगों के पास में नहीं है, कैसा है, बोले परम है। अच्छा लेकिन लेकिन देखो आ गया, नहीं समझ में आया, तुलसीदास जी ने कहा मैं समझाता हूं, जिसको एक अनीह अरूप अनामा सच्चिदानंद नहीं समझता है, तुलसीदास जी बोलते हैं व्यापक विश्व रूप भगवाना, वही व्यापक तत्व है, वही, उसी का नाम क्या रख दिया, भगवान। अरे क्यों रखा भगवान, बोले तेही तेही धरी देह, उसी ने आया और यहां अवतार ले लिया, किसने किसने, अनीह ने अरूप ने अनाम ने सच्चिदानंद ने, तेही धरी देह, और देह नहीं धरा, चरित्र कर, उसने बहुत सारे चरित्र किए, यही नहीं, बोले इसने क्यों किया ये, उससे किसने कहा था ये करने को, उस सत तत्व से
ये भगवान बनने को किसने कहा उसको? बोले उसको सो केवल, सो केवल भगतन हित लागी। उसने क्यों किया? बोले ये सिर्फ भक्तों के कारण किया। सो वो कैसा है? अभी तो बोल रहे थे कुछ नहीं है। बोले परम कृपाल। ओहो हो, वो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। कैसा है? परणत अनुरागी जी गई बहोर गरीब निवाजू। सरल, सरल है तो कमजोर नहीं है। लोग क्या समझते हैं? जो सरल है वो कमजोर है। सरल सबल, बोले उसी का नाम साहिब है। देखो साहब उसको कहते हैं, ये तुलसीदास जी बोलते हैं साहिब, वही है असली साहिब। यही नहीं, ये कौन कहता है? बोले ये मूर्ख नहीं कहते, बुद्ध बर नहीं, हरि जस अस जानी, करही पुनीत सफल निजमान, तेही बल में रघुना रघुपति गुन गाथा। देखो जी कहां से स्टार्ट किया था, एक अनीह अरूप अनामा, यही है। उसने क्या कर लिया? उसने व्यापक रूप धारण किया, उसने विश्व रूप धारण किया। देखो अच्छा, और देखो, और देखो इसी तत्व को कैसे समझा है, ये सब आ जाए आपके दिमाग में तो ये स्पष्ट हो जाए। थोड़ा कथा ले लेता हूं। रावण के आतंक से सब परेशान थे और उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि भगवान के पास चला जाए और कहा जाए कि इस सृष्टि में इतने दुख हो गए हैं, इसको क्या कर दिया जाए। ये प्रार्थना किसने की? देवताओं ने। तो देवताओं के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कहीं चला जाए। बोले कहां चलें? बोले शिव के पास चलते, शिव जी के पास चलते। शिव जी के पास आए, बोले महाराज आप हमारा नेतृत्व कीजिए और चलिए। किसके पास? वो भगवान के। कौन? वही अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद, उसके पास चलते हैं। बोले मूर्ख, ये कौन बोल रहा है? शिव जी किसको बोल रहे हैं? क्या ज्ञान है शिव जी का? कहां जाना? भगवान के पास। तो बोलते हैं भगवान के पास जाना है, तो बोले यहां नहीं है देवता। देखो ये ज्ञान, ये ज्ञान देवताओं का है और एक ज्ञान शिव जी का है। शिव जी क्या बोलते हैं? हरि व्यापक, व्याप, देखो शिव जी की भाषा, व्यापक सर्वत्र, वहां ज्यादा है गोलोक में, यहां कम है, समाना। ये शिव जी की पंक्ति, हरि व्यापक सर्वत्र, लेकिन पगलों तुम्हारे पास एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है जिसके कारण वो तुम्हारे सामने नहीं है। देखो शिव जी क्या है, बोले प्रेम ते प्रगट, तुम्हारी पुकार में दम नहीं है। ये है हमारे सामने भी जो ईश्वर नहीं आता उसका कारण क्या पता है? हमारा जो इनविटेशन होता है वह आ जाइएगा, तो फिर वो आ गए। लेकिन किसी व्यक्ति ने जिद कर ली, नहीं आपको चलना ही है, लो जी वो आपके दरवाजे पे खड़ा हो गया घोड़ा गाड़ी लेके। अब क्या करोगे? अच्छा अब क्या करोगे? आप जाओगे कि नहीं जाओगे उसके यहां? भाई देखो आप किसी ऐसे पुरुष को जब आप कार्ड देते हैं तो आप उनको क्या बोल दोगे टेलीफोन पे कि आप आ जाइएगा? तो आप उनके पास क्या करते हो? जाता है आदमी, बोलता है, करेगा। तो एक तो हुआ साधारणतः पुकार। शिव जी का भगवान ऐसे नहीं आएंगे, प्रेम ते प्रगट। शिव जी बोलते हैं हो ही मैं जाना, पगलों तुम्हारी पुकार में दम नहीं है,
ओहो देखो, और ये सबसे अच्छा श्लोक मुझे लगता है, ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि यही जो आपने वेदांत पढ़ा प्रहलाद जी ने अपने पिता के सामने बोला, पिताजी वो कहां नहीं है, यही है सर्वत्र सब व्यापक है। हिरण्यकश्यप बोलता है सब जगह है। हाँ सर, अब बोल तो दिया प्रहलाद जी ने कि बोले यहां पर भी है, बोले इस खंभे में भी है। ये बात को पकड़ लिया किसने, बोले अगर खंभे में है तो निकालो। देखो अभी एक पंक्ति आई थी, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, मेरे भृत्य ने, भृत्य मतलब मेरा किंकर, मेरे दास ने अब जो कह दिया है उसको सच करने के लिए मैं खंभे से भी बाहर आऊंगा। क्या आप जरा पंक्तियां पढ़िएगा, सत्यम विधातुम, मैं उस बात को सत्य करने के लिए आऊंगा। किस बात को सत्य करने के लिए, निज वृत्ति, ध्यान रखना वृत्ति नहीं। हम तो वृत्ति बहुत सारे लोगों के हैं नौकर, वो क्या बोलते हैं निज वृत्ति, ये किसका है, इसकी ये है, ये जो संतों के पास बल है वो ये बल है, निज वृत्य भासितुम, उसने कह दिया तो बोले महाराज मैं तो आऊंगा। बोलते हैं देखो, एक पुकार होती व्यष्टि पुकार और एक पुकार होती है समष्टि पुकार। उस समष्टि पुकार के लिए, उस समष्टि पुकार के लिए भगवान यहां पर चले आए। यही नहीं, कालों के काल बोले ना दुष्यताम अहम, कालों का काल बन के भी भगवान यहां क्या हो गए, चले आए। देखो फिर से अपने विषय पे आ जाइएगा, दो चीजें हैं, एक निरुपाधिक एक सोपाधिक। एक चीज और आपको बहुत सुंदर चीज बोलता, बहुत कम लोगों का इस पे ध्यान गया वेदांत में, पंचदशी। पंचदशी कार ने ईश्वर की सिद्धि ऐसे कर दी, ऐसी सिद्धि कर दी जहां पे ध्यान नहीं गया। देखो आपसे बताऊं क्या बोलते हैं, जहां पोषकत्व है वहां ईश्वर है। देखो ये पंचदशी का सूत्र है, जो चीज आपका पोषण कर रही है वहां, उन्होंने दृष्टांत क्या दिया पता है, खुरपी। खुरपी, खुरपी समझते हैं खोदने वाला, और बसुला समझते हैं आप लकड़ी काटने वाला, उसके आगे का लगा रहता है नहीं वो बसुला। बोले जो बसुला को चलाने वाला है वो बसुले को ही क्या मानता है, भगवान, उस पे वो मोली बांधता है। किस पे, बसुले पर, हथौड़ी पे क्या बांधता है देखा है कभी, मोली बांधता है। ड्राइवर कार की स्टेरिंग पर, उसकी स्टेरिंग पे पैर रख लीजिए जरा, उसके औजार पर जरा पैर रख लीजिए, क्यों, इनको क्यों माना भगवान। वो क्या बोलता है, मेरी जीवन की आजीविका इससे चलती है, यही मेरे लिए भगवान है। वाह, बोले हो गई ईश्वर की सिद्धि, ये है ईश्वर। कौन ईश्वर है, बोले जहां से मेरा पोषण होता है। कहां से पोषण होता है, ये बसुले से होता है, ये स्टेरिंग से होता है, ये कुल्हाड़ी से होता है, ये पेचकस से होता है। सोचो आप, जिससे पोषकत्व सिद्ध हो जाए, ये पंचदशी का है उद्बोध, वो समझ लो साक्षात ईश्वर है। अब आपके लिए भी है, जिस चीज से आपका पोषण चल रहा है, जिस चीज से, उस चीज को मदिरा से दूषित कर दिया। देखो जी, मदिरा से दूषित कर दिया, क्या चलेगा,
उसको भोग से दूषित कर दिया आपने, क्या चलेगा? वही तो आपका पोषक तो था, उसी को आपने गंदा कर दिया। सोच के देखो आप, वो आपका भगवान था, आपने तो सब कुछ नाश कर दिया, कहां से आएगा? सोच के देखो। पंचदशी कहती जहां पोषकत्व है वो ईश्वर है। अच्छा देखो आप समाप्त करें, कंक्लूड करते हैं। निरुपाधिक में वास्यम क्या हुआ? निरुपाधिक में वास्यम क्या हुआ? उस अहम तत्व को चारों ओर देखना। क्लियर हो गया? सोपाधिक में वास्यम क्या हुआ? सोपाधिक में वास्यम हुआ उसके प्रभाव को चारों ओर देखना। ये वास्यम है। ईशावास्यम आपने एक पढ़ा निरुपाधिक, एक क्या पढ़ा सोपाधिक। और मैं अभी से बोल रहा हूं, ये प्रश्न पत्र में प्रश्न जरूर दूंगा। सोपाधिक और निरुपाधिक रूप में ईशावास्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है? निरुपाधिक में अहम ही पूरे में अहम एव इदम सर्वम, ये निरुपाधिक था। सोपाधिक में क्या हुआ? उसके प्रभाव को, प्रभाव को मतलब हर घटना में, चाहे अनुकूल होवे चाहे प्रतिकूल होवे, चाहे अनुकूल होवे चाहे प्रतिकूल होवे, हर घटना में उसको देखने की क्या करें? कोशिश करें। देखो अब देखो, जितनी चीजें हैं सब का सब उसको क्या कर दीजिए? समर्पण कर दीजिए। समर्पण कर दीजिए किसको? उसको। ठीक है? समर्पण करने के बाद जो आपको वो दे वो क्या बन गया? भोग नहीं, प्रसाद। तेन, दूसरी लाइन पे आ जाइए, तेन त्यक्तेन भुंजी थाहा। देखो जी, जो उसको आपने समर्पण किया, समर्पण करने के बाद जो वो आपको देगा, मन थाली लेके गए वो खाना था, लेकिन जैसे ही आपने भगवान को दिया वो क्या बन गया? भोग, प्रसाद। और अब आप उसको क्या कीजिए? ले जाइए। क्या कीजिए? भोंजी था हा, भोग कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। लेकिन कब? कब? पहले जो कुछ मिला है उस सब को प्रभु के सामने क्या कीजिए? इसलिए मैं कभी कभी युवाओं से भी कह, आप तो नई जींस भी लाओ, नई जींस लाइए, वो भी किसके सामने रखिए? ये आपको भी सीखना है। एक छोटा सा भी सामान लाइए, सबसे पहले किसके सामने रखिए? भगवान के सामने। पहला क्या कर दिया? समर्पण। अब उसके बाद जो उन्होंने दिया अब वो क्या बन गया? प्रसाद। अब देखो, माग्रदह, मूर्ख लालच मत करो, कस्य स्विद्धनम, ये सब उसी का तो है। देखो जी, लालच क्यों कर रहे हो? देखो, लालच आदमी तब करता है जब ये समझता है कि ये चीज मेरी और मैं इसे क्या कर लूं, ले लूं। है? मैं आपको ये डांट रहा था, क्यों? जैसे इन्होंने कोई चीज मांग ली मेरी अलमारी को देखकर, तो मेरा बहुत बड़ा प्रश्न था, कैसे हिम्मत कैसे हो गई आपकी? वो व्यक्ति आपको प्रसाद देगा ना, कि आप उससे क्या कहेंगे? ये लाओ। तो आपका लोभ प्रकट हो रहा है और लोभ इतना प्रकट हो गया कि आपकी वाणी से निकल आया। क्यों? क्योंकि आपके मन में वह भावना, अगर इस सृष्टि के प्रति भी यह भावना होवे तो आप करेंगे? मैं तो अपने गुरु के साथ नहीं कर सकता, मेरी तो हिम्मत नहीं हो सकती। हम लेने की बात कहां करेंगे, हम उसको, मैं उनसे लूं ये तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता।
हाँ अगर वो कुछ दे दे तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो प्रसाद मांग के नहीं लिया जाता। आता है समझ में? प्रसाद व्यक्ति खुद क्या करता है, जो कुछ आया उसको समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद जो बचा भुंजी था, जाओ खाओ उसको। लेकिन एक बात ध्यान रखो साधक, मां गुरुदा लालच मत करना, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, हम स्वामी बन जाते हैं। जब हम स्वामी बन जाते हैं तब हम क्या सोचते हैं, ये चीज किसकी है, मेरी है। तो फिर बोलते हैं ओहो तुम कैसे आ गए, वो बोलते हैं मां गृदह कस्य स्विद्धनम, स्वामित्व की भावना मत करो, यह संपत्ति सब सब संपत्ति प्रभु के ही आई, ये जितनी आपके पास है ये सब किसकी है, उसकी। अच्छा चलिए एक कंक्लूड कर रहा हूं, ये याद होना चाहिए आखिरी आखिरी। पारमार्थिक रूप से अहम एव इदम सर्वम, सोपादिक रूप में न्याय एवं अन्य दर्शनों का सोपादिक क्या होगा, हर घटना में उसके प्रभाव को। आखिरी बात सुन लीजिए, रामानुजाचार्य बल्लभाचार्य इन्होंने परिणामवाद को माना, इनके दर्शन में प्रभाव को नहीं देखना है, इनके दर्शन में क्या करना है, वह जो सामने है वो वही है, प्रभाव को नहीं देखना है। ये जो माता है ये कौन है, ये वही है। कौन? वही सत्तत्व। ये जो पिता है ये कौन है, ये वही है। इसका मतलब इनके यहां देखो परिणाम हो गया ना, परिणाम मतलब सृष्टि का अब हर कोना कौन है, बोले वो वही। इसका मतलब सब रूप में वही है। अगर मेरे सामने आप श्रोता बन के बैठे हैं तो मेरी भावना ये होनी चाहिए, इतने अच्छे श्रोताओं को देने वाला कौन है, ये वही है। ये वही बनकर ही मेरी बातों को क्या कर रहा है। कई बार संत लोग सुन के आनंदित होते हैं, तो क्या ये किसका दर्शन है, बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य निम्बार्काचार्य, देखो कैसे इतना मधुरता आ गई। सब रूप प्रभाव नहीं, प्रभाव किसका था, न्याय दर्शन, लेकिन परिणमित हो गया, आपने पढ़ा था ना परसों, परिणाम हो गया, वो बन गया। बोले सब रूप में कौन है, बोले वही है, माता पिता गुरु सृष्टि सब में बनकर वही बैठा है। अब आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आवे, ध्यान रखना वो व्यक्ति नहीं है, वही है। पत्नी बन के आई है, वही बन के आई है। पुत्र बन के आया है, वही बन। अगर इस भावना से आप जिएंगे तो अपमान कर सकते हैं, लालच कर सकते हैं। तो देखो सोपाधि एक हो गया निरुपाधि, सोपाधिक में भी एक प्रभाव को दिखाया और एक किसको दिखाया, परिणामवाद। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। और भी होगा ना।